तो दोस्तों आप लोग जब भी कार्बन शेल्फ का चेंज करिएगा तब ऐसे मार्क लगा लेना, क्योंकि अगर ये जो निशान है उल्टा तरफ बैठ जाए तो ये शेल्फ उल्टा घूमने लगेगा। दोस्तों आज मेरे पास सुजुकी कंपनी का एक्सेस स्कूटी आया है, तो इसमें दिक्कत क्या हो रहा है ना, इसमें सेल्फ नहीं ले रहा है। तो दोस्तों मैंने कौन कौन सा स्टेप यूज़ करके इसका प्रॉब्लम सॉल्व किया, तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं क्या चेक किया ना, बैटरी। तो बैटरी कैसे चेक किया ना, इसका हॉर्न बजा के और इंडिकेटर जला के इसका चेक किया कि इसका बैटरी ठीक है। इसके बाद जो सेल्फ रिले होता है वो ठीक है कि नहीं उसको चेक किया। तो कैसे चेक किया ना, सबसे पहले एक ब्रेक प्रेस करके सेल्फ स्विच दबाया तो कट कट करके आवाज़ आ रहा था, मतलब कि सेल्फ का जो रिले होता है वो ठीक ठाक वर्क कर रहा है। उसके बाद मैंने चेक किया कि सेल्फ मोटर तक उसका जो 12 वोल्ट का सप्लाई है वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो सेल्फ मोटर के पास जो कनेक्शन जा रहा है उसमें मल्टीमीटर से मैंने चेक किया कि उसमें 12 वोल्ट का सप्लाई जा रहा है। और फिर दोस्तों मैंने सेल्फ मोटर को ओपन करना शुरू कर दिया। तो देखिए दोस्तों इसको ओपन करने के बाद इसका कार्बन पूरी तरह से घस चुका है, इसीलिए सेल्फ नहीं वर्क कर रहा था। तो इसका कार्बन चेंज करेंगे और फिट कर देंगे तो सेल्फ लेने लग जाएगा। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसका कार्बन ब्रश को अच्छा से फिट कर लिया हूँ। तो इसके बाद इसका मैग्नेट फिट कर देंगे और सेल्फ को फुल असेंबल करके गाड़ी के अंदर फिट कर देंगे, तो इसका सेल्फ फिर से वर्क करना शुरू हो जाएगा।